तो फिर सिंपल सी बात है कि हम लगातार 4-5 साल तक तो ट्रेनिंग लेंगे नहीं इंडस्ट्री में। अगर हम मैनेजर बन जा रहे हैं कुछ दिनों के बाद से, तो यह भी जरूरी नहीं है कि हमारा जिस फील्ड में ट्रेनिंग हुआ है उसी फील्ड को बस हमें देखना है, उसी फील्ड को बस हमें मैनेजमेंट करना है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं गोविंद और आज के इस वीडियो में मैं आपको काफी अच्छा आइडिया बताऊंगा कि किस टाइप से हमें इंडस्ट्री में ट्रेनिंग लेना चाहिए ताकि हमारा जो पोस्ट बढ़ जाए, मैनेजर बन जाए, इंचार्ज बन जाए, तो हमारे अंडर में जो भी चीज रहे उसको हम काफी अच्छे से हैंडल कर सके। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे आप नए आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जिस भी कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, उस कंपनी में जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जैसे क्वालिटी हो गया, प्रोडक्शन हो गया, मेंटेनेंस हो गया, यूटिलिटी हो गया, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, उन सभी में अपने आप को थोड़ा सा हस्तक्षेप करते रहना चाहिए। हस्तक्षेप बोले तो जैसे क्या है कि आप प्रोडक्शन में हैं, ठीक है, मशीन आपकी चल रही है, आप ट्रेनिंग पे हैं तो मशीन को आप ऑपरेट कर रहे हैं, साथ में उस जो मशीन पे आप बना रहे हैं उसको, वो जो प्रोडक्ट है वो जाता है क्वालिटी में, क्वालिटी डिपार्टमेंट में जाता है उसको चेक करने के लिए, तो वहां पे भी आप जाएं, ठीक है, क्वालिटी का भी एक्सपीरियंस लें। देखिए फ्रेंड्स, कभी भी जॉबलेस नहीं रहेंगे अगर इस फार्मूले पे चलेंगे तो, कभी भी लाइफ में कभी भी जॉबलेस नहीं रहेंगे और हमेशा आपकी वैल्यू रहेगी और हमेशा आपको कोई भी देखेगा तो अच्छी नज़र से देखेगा, क्योंकि आपके पास जानकारी रहेगी और जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसी तरीके पर आप चलेंगे तब, ठीक है। तो आप क्वालिटी में भी जाइए, ठीक है, क्वालिटी का भी जो भी टेस्ट हो रहा है उसके बारे में थोड़ा 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 करके, अरे भैया हम कर रहे हैं नहीं 2 महीने में सीखेंगे, साल भर में सीख जाएंगे, सीख तो जाएंगे ना, अदर फ्यूचर में कहीं पे क्वालिटी का बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट्स आ गया, कहीं आउट ऑफ कंट्री में ही क्वालिटी का रिक्वायरमेंट्स आ गया तो आप आराम से जा तो सकते हैं ना, ऐसा तो कहेंगे नहीं कि हमको जानकारी नहीं है, ठीक है, क्योंकि जानकारी आपको हो गई रहेगी, ठीक है। तो यही चीज है, प्रोडक्शन में है तो क्वालिटी में जो भी सैंपल जा रहा है उसको देखिए, कौन कौन सा टेस्ट हो रहा है, कैसे टेस्ट हो रहा है, उसको जाके वहां पे भी मदद कराइए अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है। और मेंटेनेंस की बात करते हैं तो मेंटेनेंस का भी जो भी खराब होता है आपके मशीन में, मेंटेनेंस का आदमी जो भी आता है सही करने के लिए उसके साथ रहिए, ठीक है, और अगली बार कोशिश ये कीजिए वो ऐसा कुछ खराब हो तो उसको पता ही ना चले, ठीक है। ऐसे मशीनों के बारे में जानकारी लीजिए, ये आप मेंटेनेंस का भी कवर कर लिए, यहाँ पे मेंटेनेंस भी कवर हो जाएगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आप इंजेक्शन में हैं, इंजेक्शन फील्ड में आप काम कर रहे हैं, अगर उस कंपनी में मैक्सिमम होता है, उस कंपनी में अगर एक्सट्रूजन डिपार्टमेंट भी है और जाने का मौका मिल रहा है तो फ्रेंड्स प्लीज आप जाइए, ठीक है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस लेना है, अभी अभी आप एक्सपीरियंस के स्टेज में हैं, ठीक है, अभी आप लर्निंग के स्टेज में हैं, आपको हर एक चीज़ सीखना पड़ेगा, ठीक है। अगर देखिए आप इंजेक्शन में हैं, एक्सट्रूजन के बारे में सीख ले रहे हैं, या एक्सट्रूजन में हैं इंजेक्शन के बारे में मौका मिल रहा है और आप सीख जा रहे हैं, कल को अगर इंजेक्शन में रिक्वायरमेंट्स आ जाए, बढ़िया पैसा मिल जाए, तो क्यों, क्या भाई क्या करेंगे, जाएंगे, सिंपल बात है जाएंगे, ठीक है। तो यही चीज़ है, अगर आप HDPE में हैं तो PVC को भी कवर करें, PVC में हैं तो HDPE को कवर करें, PPR को कवर करें, मतलब मेरे कहने का मतलब साफ साफ है कि जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले कंपनी में सीखने के लिए, जब तक आप 2-3 साल के रेंज में, अभी कॉलेज से निकल के 2-3 साल तक ही काम कर रहे हैं, इसके अंडर में आपको जिस डिपार्टमेंट में मौका मिले उसमें आप एंटर कर जाइए, सीखिए। ये नहीं है कि आपने एक्सट्रूजन सीख लिया तो इंजेक्शन बगल में चल रहा है और बस वैसे देख रहे हैं, घूम रहे हैं कुछ, उसको भी सीख लीजिए ना, क्या नुकसान करेगा, अगर मान लीजिए नहीं फायदा करेगा तो नुकसान क्या करेगा, हाँ, और उसको सीख लेंगे तो आपके स्किल्स में वो अभी जुड़ जाएगा, ठीक है। और फ्यूचर में अगर आप मैनेजर बनेंगे, आपके अंडर में पूरा डिपार्टमेंट आ जाएगा, अगर आपको जानकारी रहेगा तो कम से कम आपको कोई आंख उठा के ऐसे कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोल पाएगा ना, या फिर से आपको कुछ इधर उधर घुमा नहीं पाएगा, क्योंकि आपको जानकारी रहेगी। और इससे एक चीज़ सबसे ज़्यादा फायदे वाली बात यह है कि अगर आप
दो तीन फील्ड को लेके चलेंगे, दो तीन फील्ड की जानकारी लेके चलेंगे, तो पूरी लाइफ में कभी भी जॉबलेस नहीं रहेंगे। कभी भी ऐसा नहीं रहेगा कि आपके पास जॉब नहीं है, क्योंकि भैया इंजेक्शन में नहीं है तो एक्सट्रूजन में है, एचडीपी पाइप में नहीं है तो पीवीसी पाइप में है, ठीक है, प्रोडक्शन में नहीं है तो क्वालिटी में है, क्योंकि आपने सभी साइड में आपने थोड़ा थोड़ा करके आपने जानकारी ले लिया है, और अच्छी जानकारी ले लिया है, दो तीन साल में बहुत अच्छी जानकारी हो जाती है अगर आप जानकारी लेने के पर्पज से कंपनी में काम कर रहे हैं तो, ठीक है। तो यही चीज़ है, और इस चीज़ को आप बिल्कुल भी मतलब लाइटली मत लीजिए, और काफ़ी अंदर से इस चीज़ को समझिए, और आप ऐसा कीजिए, एक दो साल की बात है, 2 से 3 साल की बात है, 3 साल तक आप अगर अच्छे एक्सपीरियंस ले लिए तो आपका सीना हमेशा चौड़ा रहेगा और आप हमेशा कॉन्फिडेंटली रहेंगे, ठीक है, और कभी भी जॉब के लिए कभी किसी दोस्त की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भैया कहीं रिक्वायरमेंट्स हो तो बताओ, आपके पास जानकारी है, दो दो तीन तीन फील्ड का जानकारी है, कैसे जॉबलेस रहेंगे आप बताइए, आप खुद से सोचिए, ठीक है। कभी भी आपको मौका मिले कि हमको और कुछ सीखने को मिल रहा है तो उसको आप छोड़िए मत, उसको सीख जाइए, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और सीखने को मिला हो तो प्लीज लाइक करके हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट करें, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।